मैंने बनाया। सब लोग बाहर निकलो वरना गोली मार दूंगा। चलो चलो। ये सब क्या है? दादाजी, मेरे दादाजी को मारता है। इसे मत लूटो, इसे हम लूटेंगे। लेओ ऊपर। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। आजा रानी। तूफान भैया, एक डाकू एक लड़की को उठाकर ऊपर ले गया। और देखो, कातिल के बारे में क्या जानता है? मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता मुझे। बोल, तुझे यहां किसने भेजा है? बोल वरना मैं बता दो, बता दो। ठहरो, तुम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। साहब, साहब बचा लो मुझे। साहब, ये आदमी मुझे जान से मार डालना चाहता है। साहब, पुलिस की आड़ में छिपता है कमीने।
स्टॉप इट, बंद करो ये तमाशा। पुलिस के कामों में दखल अंदाजी मत करो। इस हैवान ने बस के मुसाफिरों को लूटा है, एक औरत की इज्जत लूटने की कोशिश की है। ये हमारी हिरासत में है, कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। ये आपकी हिरासत में कितने दिन रहेगा ये आप जानते हैं, मैं जानता हूं और ये भी जानता है। लेकिन इतना याद रखिएगा, जिस दिन इसे आपने छोड़ा उस दिन इसके सामने तूफान खड़ा होगा। जब तक मैं वर्दी में हूं तुम्हें कानून को अपने हाथों में नहीं लेने दूंगा। आपकी वर्दी उतरने में सिर्फ 15 दिन रह गए हैं एसीपी साहब, जिस दिन वो पूरे हो गए ये हाथ आपकी गर्दन पर होगा और आपके हलक से एक चीख निकलेगी जो इस स्लेट पर लिखे हुए दो नामों को पूरा करेगी। संतरी, ए संतरे, क्या है? एक माचिस मिलेगी। 14 साल से रोज माचिस मांगते हो, क्या करते हो? कान खुजाता हूं। चौदह साल से एक एक माचिस की तीली में से बारूद निकाल कर इकट्ठा किया है मैंने। लिया है, अब हमारा इनाम कब मिलेगा? तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन सोना मिलने के बाद। चलो। भाई साहब, यहां मंदिर कैसे बन गया? क्या बताएं बाबूजी, चमत्कार हो गया। कुछ बरस पहले यहाँ साधुओं की एक मंडी आई थी जिन्हें पेड़ के पास हनुमान जी की एक मूर्ति मिली। जय सिया राम राधे श्याम, जय सिया राम राधे श्याम, जय सिया राम राधे श्याम। ये हनुमान जी की मूर्ति कहाँ से आई? हनुमान की मूर्ति? आओ। जय हनुमान महाराज। अरे भक्तों, यहाँ हनुमान जी की मूर्ति कैसे? जब मूर्ति की स्थापना यहाँ हुई है तो मंदिर बनना चाहिए। हम गाँव वाले ने इसे स्थापित करके मंदिर बना दिया। बड़ी श्रद्धा है हम गांव वालों के दिलों में इस मंदिर के लिए। तूफान के हाथों आज इस मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, आप भी माथा टेक लीजिए। जय राम जी की। हनुमान जी, मैंने तो पहरेदारी के लिए कहा था, आप तो हुकूमत जमा कर बैठ गए।